गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है मेरा युवा भारत ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है सोशल इश्यूज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई है मेरा युवा भारत नाम से जिसको आप माए भारत भी कह रहे हैं तो ये एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी होगी जो कि यूथ को जो है एंगेज करेगी एक होल ऑफ़ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ठीक है अब इसी का मैंडेट तो नहीं बताया गया बस अभी ये बॉडी क्रिएट की गई है सिर्फ इसीलिए लिए इसे क्या करेगी कैसे करेगी इसके बारे में अभी डिटेल ज़्यादा नहीं आई है सिर्फ यूनियन कैबिनेट की मंजूरी मिली है इसको तो ये एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी होगी जो यूथ को बेनिफिट करेगी चाहे एडोलोसेंट्स भी हों उनको भी बेनिफिट करेगी और जनरली गवर्नमेंट जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ यूथ की वॉल्ट्री पार्टिसिपेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम सामने सामने लेके आएगी ठीक है तो ये जो है उनको रिसोर्स देना उनको कनेक्शन कर टू uh, अपॉर्चुनिटीज़ करवाना ये सारा काम जो है ये माए भारत जो है ये मेरा युवा भारत uh, जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म करने वाला है ए, uh, ये ऑटोनॉमस बॉडी थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म करने वाला है ठीक है तो इसके बारे में जब बहुत ज़्यादा डिटेल्स आएंगी तभी हम इसके बारे में बात कर पाएंगे कि क्या मैंडेट है कैसे ये काम करेगा ये सब सिर्फ तभी हम डिस्कस कर पाएंगे नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माल न्यूट्रिशन ये टॉपिक आपके सोशल इशूज़ और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने प्रोटोकॉल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन जो है वो अभी लॉन्च किया है तो अगर हम देखें तो इसके हाईलाइट्स की क्या हैं इसके हाईलाइट्स में हमें पता लगता है कि पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि और मैनेज करेंगे उन चिल्ड्रन को जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं ठीक है तो अब होगा क्या इसमें प्रोसेस जो हैं वो बताए गए हैं कि कैसे हेल्दी वेट मेंटेन करना है डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उसके कॉम्प्रिहेंसिव नॉर्म्स उसके बताए जाएंगे ठीक है एपेटाइट टेस्ट्स किए जाएंगे चिल्ड्रन के ऊपर कि उनका एपेटाइट कैसा है फिर अगर जो कोई फेल हो जाता है एपेटाइट टेस्ट में चिल्ड्रन तो उनको न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा ठीक है तो इसमें यूनिक इनिशिएटिव्स भी जो है वो डाले जा रहे हैं जैसे कि बडी मदर कंसेप्ट जो कि असम गवर्नमेंट ने एक्चुअली लॉन्च किया था उसी को ही जो है ये एज अ बेट्स गुड प्रैक्टिस जो है वो अडॉप्ट किया गया है इसमें क्या होगा कि जो हेल्दी बेबी की मदर है वो एक माल नरिश चाइल्ड की मदर को गाइडेंस देगी कैसे जो है आंगनबाड़ी सेंटर में ही ऑफ कोर्स कि कैसे जो है वो एक चाइल्ड की केयर की जा सकती है न्यूट्रिशनल कंटेक्स्ट में अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है एक तो ये माल न्यूट्रिशन को चेक करेगा अमंग चिल्ड्रन और पहली बार जो है इशू को आंगनबाड़ी लेवल पर ही जो है एड्रेस करने का इसमें जो है वो मोटिव रखा गया है अब माल न्यूट्रिशन होता क्या है माल न्यूट्रिशन हम डेफिशिएंसीज एक्सेसीज या इम्बेलेंसेज को कहते हैं जो कि एनर्जी और न्यूट्रियस के इनटेक के कम इनटेक या फिर ज़्यादा इनटेक की वजह से हो जाता है अंडर न्यूट्रिशन में स्टंटिंग आता है वेस्टिंग आता है अंडर आता है ठीक है और ओवरवेट में आपको पता ही या ओबेसिटी या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो डाइट रिलेटेड होती हैं वो आ जाती हैं अब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या होता है मतलब बहुत ही कम वेट या हाइट एज़ कम्पेयर्ड टू न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स ठीक है तो चिल्ड्रन जो खासकर फाइव टू फिफ्टी नाइन सिक्स टू फिफ्टी नाइन मंथ्स के होते हैं अगर उनकी आम का सरकम फेरेंस वन हंड्रेड mm टेन मिली से कम होता है तो उसमें सिवेर एक्यूट माल, माल न्यूट्रिशन कहा जाता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बेगा ट्राइब्स ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है तो बैगा पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है वो सेकेंड बन गया है छत्तीसगढ़ में जिसको हैबिटाइट राइट्स मिलेंगे आफ्टर कमर पी ठीक है तो ऐसे सेवन पी वी टी जीज़ हैं छत्तीसगढ़ में जो कि जो है जहाँ पर सेवनटीन ऑफ स्टेट के थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्स में से सेवनटीन डिस्ट्रिक्स में ये पी वी टी जीज रहती हैं तो पी वी टी जीज़ होती क्या है ठीक है तो पी वी जो है वो मोर वलरेबल ग्रुप है अमंग ट्राइबल ग्रुप्स और इस फैक्टर की वजह से जो मोर डेवलप्ड और असर्टिव ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो जो है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड ज़्यादा ले जाते हैं एज कम्पेयर टू पी वी तो उनको जो है वो फंड्स नहीं मिल पाते हैं तो इसलिए वो पर्टिकुलरली वेलरेबल रहती हैं अब इस कंटेक्स में 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 52 ट्राइबल ग्रुप्स को पी वी किया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ धेबार कमीशन ठीक है करंटली सेवेंटी फाइव पी वी टी जीज़ हैं आउट ऑफ सेवन हंड्रेड फाइव शेड्यूल्ड ट्राइब्स उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हैं ये पी वी टी जीज ठीक है अब गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं पी वी जीज़ के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि हंड्रेड परसेंट सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है एटीन स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की और ये स्कीम जो है ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है पीवीटीजीस का अब बैगा पीवीटीजी के बारे में हम देखें तो ये एक एथनिक ग्रुप है सेंट्रल इंडिया का आ, ये सेमी नोमैडिक लाइफ जीते हैं और ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं और ये डिपेंडेंट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे अपनी लाइवलीहुड के लिए ये एक फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम बेवार भी कहते हैं ठीक है बेवार भी कहते हैं महुआ के ऊपर ही बहुत डिपेंडेंट है इनका फूड और ड्रिंक के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है टैटूइंग इनके पार्ट में है कल्चर में है और ये लेबरर नहीं बनते हैं जनरली ठीक है ये इवन अदर ट्राइबल ग्रुप्स जैसे गोंड उनके साथ भी जो है इंट्रैक्शन नहीं करते हैं जब इनके फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो ये अपने घर को छोड़ देते हैं और नवा घर बना लेते हैं ठीक है अब हम देखते हैं हैबिटेट राइट्स क्या होते हैं हैबिटेट राइट्स बेसिकली एक कम्युनिटी को अथॉरिटी देना जहाँ पर वो रहते हैं ट्रडिशनली ठीक है इसको इसमें देखते हैं हम कि जो इन्वायरमेंट और कल्चरल हेरिटेज को भी सेफ गार्ड उनके किया जा सके उनके ट्रेडिशनल लाइवलीहुड और इकोलॉजिकल नॉलेज को भी जो है सेफ गार्ड और प्रमोट किया जा सके और हैबिटेट राइट्स जो हैं वो बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होते हैं कम्यूनिटी के ट्रेडिशनल टेरिटरी सोशो कल्चरल प्रैक्टिस इकनॉमिक एंड लाइवलीहुड मीन्स राइट्स टू इंटेलेक्चुअल नॉलेज ऑफ़ बायोडावर्सिटी एंड इकोलॉजी ठीक है थेके? अब राइट्स टू ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स भी इसमें आ जाता है ठीक है अब लीगल बैकिंग भी जो है वो हैबिटेट राइट्स में जो है वो दी जाती है जैसे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में जो है लीगल बैकिंग दी गई हैबिटेट राइट्स को अब ये गवर्नमेंट जो है हाउ डज़ गवर्नमेंट फिक्स हैबिटेट राइट उसके लिए भी ऑफकोर्स एक डिटेल्ड गाइडलाइन दी गई है इस परपज़ के लिए दो में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा ठीक है क्या ये हैबिटेट राइट्स जो है वो माइनिंग uh, जैसी एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं ये हैबिटेट राइट्स जो हैं पी को कि हैबिटेट को जो है डेवलपमेंटल uh, एक्टिविटीज़ के हार्मफुल इफेक्ट से भी जो है वो बचाते हैं ठीक है ये जो है ऑफकोर्स जो uh, जो टाइटल उनको कोई ओनरशिप टाइटल तो नहीं मिलता uh, जो है uh, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर की तरह लेकिन उनकी ग्राम सभा के कंसल्ट कंसल्टेशन और कंसेंट के बिना कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी इनहेबिटेड रीजन्स में नहीं की जा सकती ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गाजा स्ट्रिप ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो <coughs> इसराइल ने फुल सीज ऑफ गाज़ा स्ट्रिप जो है अनाउंस कर दिया है और कहा है कि वो हमास को ऑब्लिट्रेट करेंगे ठीक है तो गाज़ा स्ट्रिप क्या है एक सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी पर पड़ती है इसका नाम गाज़ा इसकी मेन सिटी से लिया गया है ये टू पैलस्टीनियन टेरिटरीज के जो है को मिलाकर बनती है दूसरी वाली गाज़ा स्ट्रिप से दूसरी कौन सी है वेस्ट बैंक ठीक है और इसके बॉर्डर जो है इसराइल से शेयर होता है और इजिप्ट से शेयर होता है ठीक है और क्लाइमेट यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट है और डेंसली पॉपुलेटेड है बहुत ज़्यादा ये टू मिलियन पीपल यहाँ पर रहते हैं मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसराइल ने जब 1948 में अपना स्टेटहुड डिक्लेयर किया तो इजिप्ट जो है इस समय पर गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करता था लेकिन जब 1967 की सिक्स डे वॉर हुई तो जो है इसराइल ने इस पर कंट्रोल गेन कर लिया और अगले 38 साल तक इसराइल ने ही इसको कंट्रोल किया दो में लेकिन इसराइल जो है वो 9000 अपने सेटलर्स के साथ और मिलिट्री फोर्सेस के साथ यहाँ से विड्रॉ हुआ अंडर इंटरनेशनल प्रेशर और इस इनकलेव को पैलस्टीनियन अथॉरिटी को जो है दे दिया गया ठीक है अब लेकिन यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है हमास हमास एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो करंटली इसको गवर्न करती है 2007 में इन्होंने कंट्रोल ले लिया था गाज़ा का लेकिन इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं कराई वहाँ पर ज़बरदस्ती कंट्रोल लिया हुआ है हमास जो है इसको ये अनलाइक पेलेटीन अथॉरिटी जो कि वेस्ट बैंक में रूल करती है अनलाइक पेलस्टीन अथॉरिटी हमास जो है वो इसराइल को मानता नहीं है ठीक है उन्हीं की असली में लड़ाई चलती रहती है इसराइल ने एक लैंड एयर और सी ब्लॉकेट गाज़ा के ऊपर दो से ही मेनटेन किया हुआ है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लखपति दीदी इनिशिएटिव ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है सो so, <coughs> पीएम मोदी ने रिसेंटली एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की है प्रोग्रेस देखने के लिए कि कैसे दो करोड़ लखपति दीदीज़ जो है वो इंडिया में बनाई जा सकती हैं तो ये लखपति दीदी इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही एक इनिशिएटिव है जो कि अभी 2023 में अगस्त 15 की स्पीच में जो है वो अनाउंस किया गया था विमेन को माइक्रो एंटरप्राइजेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट इसमें दो करोड़ विमेन को ट्रेन करना चाहती है आ, ट्रेनिंग जो है वीमेन की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो है वो की जाएगी एक सस्टेनेबल इनकम उनको देना एटलीस्ट वन लैख पर एन पर हाउस होल्ड ये इंश्योर करने के लिए जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसी के अंदर ये ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है इनक्रेज किया जाएगा कि वो मल्टीपल लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ जो है वो में एंगेज हों और सस्टेनेबल इनकम जनरेट करें एक लाख या एक लाख से ज़्यादा की विमेन को वेरियस स्किल्स सिखाए जाएंगे जैसे प्लम्बिंग एल बल्ब मेकिंग ड्रोन ऑपरेशन रिपेयर टेलरिंग वीविंग विमेन को जो है वो इनकम uh, अपनी खुद की स्किल्स से ही जो है जनरेट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन रूरल डेवलपमेंट जो है वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ लखपति दीदीज़ को जो है इनिशिएटिव uh, को ब, 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 चलाएगी रूरल uh, इकोमी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अब जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है ये एक फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और इनेबल किया जा सके पुअर हाउस होल्ड को कि वो कैसे गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जो है वो गेन कर सकते हैं एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच है इसमें स्टेट्स को जो है अपने हिसाब से स्टेट स्पेसिफ़िक पॉवर्टी रिडक्शन प्लान्स बनाने की इजाज़त इसमें दी गई है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं व्हाइट गुड्स ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपनी ओवरसाइट को टाइटन किया है पीएलआई एल स्कीम जो वाइट गुड्स है उसके ऊपर कि कैसे जो है एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा तो वाइट गुड्स क्या होते हैं लार्ज होम अप्लाइंस जैसे कि आपके रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर्स वॉशिंग मशीन्स बेसिकली जो आपके लार्ज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं जो ट्रडिशनली वाइट कलर में ही आते होते थे लेकिन अब आजकल तो किसी भी कलर में आने लगे हैं ठीक है तो बेसिकली अपनी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जिविटी के लिए ही न जाने जाते हैं और ये वाइट फैब्रिक्स को भी टर्म uh, यूज़ की जा सकती है खासकर लिनन और कॉटन को लेकिन बीवरेज इंडस्ट्री और बीवरेज इंडस्ट्री में इसको हम कलरलेस स्पिरिट्स जैसे वॉड या जिन के लिए भी कहते हैं और ऐसे ही ब्राउन गुड्स क्या होते हैं ब्राउन गुड्स जो है वो रेलिटिवली लाइट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं जैसे कि कंप्यूटर्स डिजिटल मीडिया प्लेयर्स टीवीज एंड रेडियोज ठीक है <coughs> अब अनलाइक लार्ज हाउस होल्ड अपलाइंस ब्राउन गुड्स जो है वो मोर फोकस्ड होते हैं एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन और कन्वीनियंस के ऊपर ये डिवाइस जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं इनका प्राइमरी फंक्शन जो है वो ऑडियो वीडियो और डेटा रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है ठीक है अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है तो श्रीलंका जो है वो चेयरमैनशिप लेने वाला है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ड्यूरिंग ट्वेंटी थर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग अब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को नाइनटीन में एस्टैब्लिश किया गया था एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और इसके मेम्बर्स कौन हैं अफ्रीका वेस्ट एशिया साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया यूरोप और एशानिया ठीक है ट्वेंटी थ्री स्टेट्स हैं और इलेवन डायलॉग पार्टनर्स हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो इसकी एपेक्स बॉडी है जो कि हर साल मिलती है सेक्रेटरीट इसका इबीन मॉरिशियस में है जो है वो लोकेटेड है और ये एक सेक्रेटरी जनरल द्वारा जो है वो ओवरसी की जाती है जो कि तीन साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाते हैं ठीक है सो नाउ लेटअस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश so the first topic is mera Yu uh, mera yuva bharat this topic is important for your governance and social issues uh, topics so union cabinet has recently approved the establishment of an autonomous body called the mera yuva bharat this will also be uh, known as my bharat so currently only the union cabinet approval has been given to the, to make this body but the mandate of this body has not yet been established that's why very little information is available regarding the same okay so anyways it would be uh, meant to engage youth and its empowerment uh, by using a whole of government approach and this autonomous body merayuva yuva bharat will engage with this youth and Give them access to resources and connect them with opportunities uh, by bringing to them together on a digital platform. Okay, so there will be voluntary participation and other training programs to enable them uh, to uh, get trained in certain aspects. Uh, so, as I've said, that there is no currently detailed uh, uh, mandate of this body and what it would be doing uh, in the future, that's why we cannot uh, uh, crystal gaze what. It actually would be doing in the future. Okay. So, anyways, the next topic is mal malnutrition. This topic is important for your social issues and your governance section. Union Minister of Women and Child Development has launched this protocol for identification and management of malnutrition in children. So, this protocol would be detailing ten-step guidelines for identification and management of children who are suffering from severe acute malnutrition at body level, and the processes would also be needed for uh, how the healthy weight can be maintained, and comprehensive norms would be shared with them on the dietary requirements. Uh, so after the identification of these children, appetite test will be undertaken, and those who fail this appetite test, they will have to be referred to the nutritional rehabilitation centers. So the protocol also in involves unique initiatives like the buddy mother initiative which was first used by the state of assam and under this scheme mother of a healthy baby guides the mother of a malnourished child at an anganwadi center every week okay so what is the significance of this protocol so this new the new guidelines will check malnutrition among children and it will it will be the first time this issue would be addressed at the Anganwadi level. What is malnutrition? It refers to the deficiencies, excesses, or imbalances in a person's intake of energy and/or nutrients. There are two group, broad group of conditions in malnutrition. First is of course the undernutrition, and second is the overweight category. Okay, so underweight, you know, uh, it is undernutrition means stunting, wasting, and underweight, and overweight. We all know obesity and diet related non communicable diseases. Then what is severe acute malnutrition? It define it is defined as a very low weight for height, and it is if uh, if we look at in childrens children then in the in the age between six to fifty nine months if they have an arm circumference of less than one hundred ten millimeter, then it is indicative of severe acute malnutrition. Okay. <clears throat> So the next topic is Baga tribes. This topic is important for your social issues. So Baga, particularly vulnerable tribal group, has become the second to get habitat rights in Chhattisgarh after the after Kamar PVTG. So there are seven PBTGs in Chhattisgarh, who live in seventeen of states, thirty-three districts. PBTGs are basically more vulnerable among the tribal groups, and due to this factor, more developed and assertive tribal groups take a major chunk of the tribal development funds. So in this context, in 1975, government of India declared. To do tribal groups as, as PVTGs on the recommendation of Debhar Commission. Currently, there are 75 PVTGs out of the 705 scheduled tribes, and Odisha has the highest number of PVTGs uh, currently, okay, as per the 2011 census. So uh, what are the government schemes for these PVTGs? Development of particularly uh, vulnerable tribal groups is a Ministry of Tribal Affairs um, scheme, which is a centrally sponsored scheme, and it is being implemented with a 100% central assistance component to 18 states and union territory of Andaman and Nicobar Islands. Okay, of course the aim is to uh, ensure socio-economic development of PVTGs in a comprehensive manner. While retaining their culture and heritage, so if we look at the Bega PVTGs, they are an ethnic group in central India, and they uh, live in the following states: Madhya Pradesh, UP, uh, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Odisha, and West Bengal. And they traditionally live in on a, a semi—they traditionally live a semi-nomadic life, and they practice slash and burn cultivation. They dip, uh, currently they now uh, dep uh, depend on minor forest produce for their livelihood. They practice a form of shifting cultivation called Bewar okay mahua is an important aspect of their food and drink and tattooing is an integral part of their culture it was below the dignity of a bega bega to become a laborer and members of the bega tribe do not interact even with other tribal groups like the gonds okay after the after a death in the family Begas leave the house and they build another one so what are habitat rights then so habitat rights are basically mean giving a community the authority over where they live traditionally and it also involves safeguarding their environment and cultural heritage so habitat rights safeguard and promote traditional livelihood and ecological knowledge so it generally includes a community's right over traditional territory socio-cultural practices economic and livelihood means uh, intellectual knowledge traditional knowledge and use of natural resources and right to protection and conservation so these rights also have legal backing they are protected under forest rights act okay so generally the government also has a detailed guideline given for this purpose in 2014 by ministry of tribal affairs how these rights are, are, are to be protected by the states so habitat rights also help the pvtgs the, to uh, prevent them from being harmed by any developmental activities like mining okay so the next topic is gaza strip this topic is important for your international relations so israel has recently ordered a full siege of uh, Gaza Strip and vote to obliterate Hamas after the recent uh, offensive. So, Gaza Strip is a self governing Palestinian territory which is located on the eastern coast of Mediterranean Sea and it takes its name from Gaza, its main city. It forms the smaller of the two Palestinian territories, the other bank being the West Bank, of course, and it is bordered by Israel to the north and Egypt to the south. So, how is the climate there? the temperate climate is there with mild winters and dry and hot summer so the population of course is densely populated and 2 million people live in this territory majority of them being sunni muslims so after israel has declared its statehood egypt is now controlling gaza strip for nearly two decades israel uh, gained the control of uh, Egypt was controlling the Gaza strip for nearly two decades Israel gained control of Gaza strip and West Bank after its victory in 1967 six day war against arabs so uh, for the next 38 years Israel continued to control this strip but only in 2005 under international and domestic pressure Israel withdrew from this uh, uh, territory and uh, uh, it left the enclave to be governed by an internationally recognized Palestinian authority okay so Hamas is controlling this Gaza strip uh, as as of now but since it has taken control in 2007. No elections have been held there. Hamas, unlike Palestinian Authority of the West Bank, does not recognise Israel's right to exist, and it, uh, Israel has maintained an, a land, air, and sea blockade on Gaza since 2007. So, the next topic is Lakpati Didi Initiative. This topic is important for your governance and economy section. PM Modi has recently chaired a high level meeting to review the progress made in realizing the 2 crore Lakpati Didi's. Uh, dream in india so it was announced by pm modi during his independence day speech this year and the aim is to encourage women to start micro enterprises within their villages under this initiative government aims to train 2 crore women and the program also aims to train women in self help groups so that they can earn a sustainable income of at least 1 lakh rupees per annum per household so this initiative was initiated at by uh, uh, Dindayal Antyodaya Yojana, uh, National Rural Livelihoods Mission, wherein each uh, self-help group household will be encouraged to take up multiple uh, livelihood um, activities and to which would result in sustainable income of 1 lakh rupees or more per year. Under this scheme, women will, will be trained in various skills like plumbing, LED bulb making, drone operation, Repair and tailoring and weaving. Women will be also be provided with opportunities to earn income using their skills. Ministry of Rural Development is adopting a whole of government approach for Lakpati Didis. So, as to transform the rural economy. Okay. So, what is Deen Dayal Antyodaya Yojana rural, National Rural Livelihoods Mission? So, it's a flagship poverty alleviation program which has been implemented by Ministry of Rural Development, and the aim is to reduce poverty by enabling the poor household to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities. And it it, it is adopting a demand-driven approach whereby states have been enabled to formulate their own state-specific poverty reduction action plans so the next topic is white goods this topic is important for your economy section so government recently tightened its oversight over the selected applicants under the production linked incentive for white goods so white goods are basically large home appliances like uh, stoves uh, refrigerators, freezers, washing machines, etc., and they are large consumer durables for the house, which were traditionally available only in white, but now of course they are available in many other colors. So these white goods are known for their durability and longevity, and they also uh, may also be also be referred to. Uh, white goods may also be referred to white fabrics, especially li especially linen or cotton, and in the beverage industry, white groups are known as uh, are also the colorless spirits like vodka or gin. So, what are brown goods? Brown goods are relatively light electronic consumer durables like computers, digital media players, TVs, and radios. And unlike large household appliances, brown goods are more focused on entertainment, communication, and convenience. And these devices often have electronic components, and their primary function is to provide audio, video, or data related services. So, the next topic is Indian Ocean Rim Association this topic is important for your uh, international relations so sri lanka is set to take over the chairmanship of indian ocean rim association during 23rd council of ministers meeting and this indian ocean rim association was established in 1997 as an intergovernmental organization of states on the rim of the indian ocean so the member countries of indian ocean rim association involved uh, uh, africa uh, west asia south asia southeast asia europe and oceania, oceania and it has about 23 member states and 11 dialogue partners so the apex body of this uh, uh, is association is council of foreign ministers which meets annually and this secretariat is based in abeen that is in mauritius and it is being overseen by a secretary general who is appointed for a period of 3 years okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.